choke you down just like a pill. Hey guys and welcome to Dr. Doom. आज से इस नई कॉमिक की शुरुआत की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि लोगों को पसंद आई। वैसे मुझे काफी पसंद आई है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। एक गरीब बंजारे और एक चुड़ैल के घर पैदा हुआ विक्टर वॉन डूम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है जादू की कला को माहिर करने में और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को सीखने में। इन दोनों के चलते वो लटवीरे के ऊपर राज करने लगता है। ये बात डॉक्टर डूम को इस प्लैनेट के कुछ सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनाती है। सालों तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम ने कुछ बहुत अच्छे काम किए, कुछ बहुत बुरे काम किए। इसलिए दुनिया के लोगों को हमेशा यही डर बना रहता है कि डॉक्टर डूम आगे क्या करने वाला है। चांद के ऊपर बनाया जा रहा एंटलायन कंट्रोल सेंटर, अर्थ पे पॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ रहे हैं, इसलिए चांद के ऊपर ये सेंटर बनाया गया। पूरी दुनिया के अंदर इसकी खबरें दिखाई जा रही हैं। धरती के ऊपर बढ़ रहे कचरे को कम करने के लिए चांद के ऊपर एक कंट्रोल्ड ब्लैक होल बनाया जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे। ये स्पेस के अंदर मौजूद एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो चीज एक बार चली जाए कभी बाहर नहीं निकलती। इसी के बारे में पूरी दुनिया में खबरें चलाई जा रही हैं। 3 घंटे के अंदर चांद के ऊपर एक ब्लैक होल बनाया जाने वाला है। इससे क्लाइमेट चेंज की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। धरती का बढ़ रहा तापमान कम होगा। लेकिन इसके बाद रिपोर्टर डॉक्टर डूम के साथ इंटरव्यू करता है। वो कहता है कि आप इस एंटलैंड प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों है? डॉक्टर डूम ने कहा, क्योंकि इससे इंटरस्टेलर खतरे पैदा होंगे। रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन हर चीज की टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर डूम ने कहा, हाँ, मून के ऊपर ब्लैक होल बनाने से क्या ही गड़बड़ होगी। और वैसे भी, तभी एक प्रोफेसर ने उसकी बात बीच में काटी और कहा कि इस चीज को बनाने के लिए स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर डूम को टोनी स्टार की बनाई हुई किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं है। रिपोर्टर ने कहा, लोग मानते हैं कि आप गुस्सा हैं क्योंकि आपको इस प्रोजेक्ट से दूर रखा गया, इसलिए आप इसे अपनी नाकामी मानते हैं। फिर ये रिपोर्टर डॉक्टर डूम के साथ बहस करने लगता है। डॉक्टर डूम को अपनी बात बीच में काटना पसंद नहीं आता, वो कनेक्शन कट कर देता है और रिपोर्टर्स अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगते हैं। लटवेरिया, एक आदमी डॉक्टर डूम का माइक हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर डूम ने अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया। अगले सीन में डॉक्टर डूम अपनी सेनापति विक्टोरियस से बात कर रहा है। विक्टोरियस बोलती है, सिमकारिया की सेना बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई कर रही है। डॉक्टर डूम ने कहा, वो नहीं मानने वाले। विक्टोरियस बोलती है, अचानक से उनके पास काफी पैसा आ चुका है। डॉक्टर डूम ने बताया, ब्लैक मार्केट में हथियार बेचने की वजह से वो देश मुझे दांत दिखाकर यूरोपियन यूनियन के सामने अच्छा बनना चाहता है। तब असिस्टेंट डॉक्टर डूम से बोलती है, क्या आप मीडिया रूम के अंदर बैठकर ब्लैक होल को बनते हुए देखना चाहेंगे? लेकिन डॉक्टर डूम खुले आसमान में वो सब देखना चाहता है और अपनी सेनापति के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बॉर्डर की सेना को तैयार कर लो, मैं पतझड़ देखना चाहता हूँ। विक्टोरियस, एक आखिरी काम, मेरे पास उस आदमी स्टीव को लेकर आओ जो कुछ देर पहले मुझसे न्यूज पे बात कर रहा था। विक्टोरियस ने कहा, हो जाएगा जहाँ अपना। बाहर जाने पर डॉक्टर डूम पेट्रा से पूछता है, तुम्हारे फादर की हालत कैसी है? लैरिन अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रख रहा है, हालांकि वो काफी जिद्दी हैं। बोरिस एक ताकतवर आदमी है, वो कैंसर को हरा देगा, मुझे पता है। मेरे रिटायर होने से पहले क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, लेकिन रुको, इससे पहले कि तुम जाओ चांद की तरफ देखो, अभी अभी एक ब्लैक होल पैदा हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि इससे ये संसार बच जाएगा? ये एक इंटरस्टेलर तबाही लेकर आएगा। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़के। उनके भले के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गलत निकलो। फिर डॉक्टर डूम वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है। अगले सीन में वो अपने स्टडी रूम के अंदर कुछ लिख रहा था जिसमें वो कह रहा है, सच कहूँ तो हर एक गुजरते साल के साथ साथ मेरी अंदाजा लगाने की सटीकता कम होती जा रही है। आगे लिखने के बारे में डॉक्टर डूम कुछ सोच ही रहा था कि कैंग उसके सामने आ जाता है। मैं इन सब से थक चुका हूँ कैंग। मैं कहाँ हूँ? डोमस्टैट, मेरे प्राइवेट स्टडी रूम के अंदर। ओह, मुझे तो कहीं और जाना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि तुम टाइम में इतनी बार आगे पीछे जा चुके हो कि तुमने अपने बॉडी सेल्स को डैमेज कर लिया है, तुम्हारा दिमाग चलना कम हो चुका है। फिर कैंग बाहर तारों को देखता है। वो तारा अब भी चमक रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं 21वीं शताब्दी के बीच में आया हूँ। काफी सही अनुमान लगाया, उन्होंने मून की डार्क साइड पे एक ब्लैक होल बनाया है
द एंट लायन, तो तुम्हें याद है काफी अच्छे तरीके से। इसे वर्ल्ड को बचाने के लिए बनाया गया था। क्या इसने वर्ल्ड को बचाया? डिपेंड करता है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी टाइमलाइन में हूँ। कैंग, मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ा हुआ हूँ? शायद हमारा कुछ दूर का क्वांटम रिश्ता है। डॉक्टर डूम कैंग को ड्रिंक्स ऑफर करता है। मैं अपने कंपटीटर्स के साथ नहीं पीता। तुम तो कह रहे थे कि हमारा कोई रिश्ता है। मैंने कहा था दूर का रिश्ता है। फिर डॉक्टर डूम अपना मास्क हटाते हुए बोलता है, हर एक भले काम के बदले 10 बुरी चीजें होती है कैंग। तब तो भले काम ना ही करो तो अच्छा है। ये बात तुम्हें एंटलायन प्रोजेक्ट को बोलनी चाहिए। एक कलाकार था जो लगभग हर एक रंग से चित्र बनाता था, लेकिन एक रंग उसका खास था। तब उसके पास ये रंग खत्म हो गया और दोबारा उसे ये रंग कहीं नहीं मिला। मैं कहावत जानता हूँ, ये रंग है खुशी जो तबाही लेकर आती है। उस रंग को ढूंढते ढूंढते वो बूढ़ा हो गया। इतना बूढ़ा कि वो पेंटिंग करने के लिए एक ब्रश भी नहीं उठा सकता था। वो फिर कभी पेंटिंग नहीं बना पाया। खुशी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि हम खुशी के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। तुम तो सेंटी हो रहे हो। लेकिन अपनी बात पूरी होने से पहले ही कैंग वहाँ से चला जाता है। चलो अगली बार बात होगी। डॉक्टर डोम सोने की तैयारी कर रहा है, बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है। फिर डॉक्टर डोम बाथरूम के अंदर जाता है, जहाँ पे हरे रंग की कुछ पट्टियाँ रखी हुई थी, जिनके ऊपर विक्टर कुछ दवाई डालता है, जिन्हें अपने चेहरे पे लपेटने के बाद वो बेडरूम की तरफ निकल लेता है। फिर वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। उसके पास उसके दो बच्चे बैठे हुए हैं, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी आखिरकार एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेती है, जिससे कि मौसम को जब चाहे कंट्रोल किया जा सके, जब चाहे बारिश की जा सके, सूरज को निकाला जा सके, कोई तूफान नहीं आएंगे, कोई सूखा नहीं पड़ेगा। विक्टर ने कहा हम 18 महीने में इसे बना लेंगे, लेकिन वाइफ बोलती है 18 महीने तो मंजूरी मिलने में ही लग जाएंगे। विक्टर ने कहा मैं वर्ल्ड मिनिस्टर हूँ और मैं अभी हाँ बोलता हूँ, और तुम फ्रूजीना तुम काफी शानदार हो। फिर एकदम से विक्टर अपने आप को संभालता है, ये सब क्या है बच्चे? फिर वो कुछ और बाहर की तरफ निकलता है, सीधा मून पे पहुंचता है, जहाँ पे बनाया हुआ वो ब्लैक होल काफी बड़ा हो चुका था। गाइस हो सकता है कि डॉक्टर डूम के दिमाग में चल रहा हो। हफ्तों बाद डॉक्टर डूम अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। फिर पैट्रम विक्टर को बताती है विक्टोरियस ने रिपोर्ट दी है कि बॉर्डर का मामला शांत हो चुका है। विक्टर ने कहा इस बात पे मैंने तुम्हारे डैड से शर्त लगाई थी, उनसे कहना वो शर्त हार चुके हैं। पेट्रा बोलती है उन्होंने पहले ही शर्त के पैसे आपके डेस्क पे रखवा दिए, लेकिन पब्लिक ऑफिस वो जानना चाहता है कि आप एंडलैंड प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर डूम ने कहा मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना। पेट्रा बोलती है लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे तो वो प्रिंट करेंगे कि आप गलत हैं। डूम पूछता है और मैं गलत कैसे हूँ पेट्रा? पेट्रा ने कहा नहीं मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रेस कह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 20% कम हो चुके हैं, टेम्परेचर 0.35 डिग्री कम हो चुका है। डॉक्टर डूम बोलता है मुझे मेरी राजगद्दी से हटा दिया गया था, तब सम्मान के साथ मुझे वापस बुलाया गया, मेरे खुद के रोबोट्स ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया, मैंने उन्हें डिसमेंटल कर दिया। तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है कि ये पत्रकार क्या कुछ बोलते हैं? और जहां तक पत्रकारों की बात है, गुड मॉर्निंग स्टीव। स्टीव को पकड़कर वहां पे लाया जा चुका था। डूम ने कहा इसे आज खाना खिला देना। तो आप प्रेस के सामने कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तुम अपने फादर की तरह ही खतरे उठा रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा सकता हूँ, उनसे कहो वो इंतजार करें, मेरा जवाब जल्दी उन्हें मिल जाएगा।